कभी-कभी एक ही गुरु के पास शिष्य को कई-कई जन्म तक बार-बार जाना पड़ता है और गुरु करुणा करके जन्म ले लेता है फिर आ जाता है क्योंकि उसको भी वासना लगी हुई है ना दूसरों को ज्ञान कराना है धर्म की राह पे चलाना है तो इस वासना के कारण महात्मा फिर फिर जन्म लेता है और शिष्य चूंकि अभी सीख रहा है अभी समझ रहा है अभी थोड़े दिन सीखता है फिर लड़की दिख जाती फिर उसके पीछे चला जाता है फिर वापिस फिर थोड़ा सा सीखता है फिर पैसे की कोई मजबूरी आती फिर उसके पीछे चला जाता है फिर थोड़े दिन कुछ साधना ठीक चलती है बीमार हो जाता है बूढ़ा हो जाता है मर जाता है साधना अधूरी की अधूरी रह गई फिर रोता है ये मैंने क्या किया मैंने तो जन्म गवाया अपना तो चेला तो जन्मेगा ही जन्मेगा चेला फिर आ गया तो इसीलिए गुरु के संग कभी कभी किसी एक शिष्य का बहुत लंबा पिछला संबंध बन जाता है और महात्माओं की ये बड़ी करुणा होती है कि महात्मा इस परम दया और परम करुणा के कारण पुनः पुनः बार बार मनुष्य शरीर लेकर के अपने आप को उपलब्ध कराते रहते हैं उस जिज्ञासु के लिए उस खोजी के लिए जिसकी साधना बीच में छूट गई होती पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप आलसी हैं प्रमादी हैं तमोगुणी हैं तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी ये अवसर फिर से मिल पाए दोबारा अवसर भी मुश्किल से ही मिलता है इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है पर किसी तल पर गहरे रिश्ते भाव के प्रेम के जब तक ना बन जाएं, तब तक ये घटना घटती नहीं है डजेंट हैपन्स मैं जिक्र करना चाहूंगी स्वामी राम का इनके जो माता पिता थे तो इनकी माँ लगभग साठ वर्ष की करीब करीब होने वाली थी और इनके कोई बच्चा नहीं था तो बस मन में एक भावना ही रह गई कि कोई हमारा बच्चा होता और साठ में तो उम्मीद भी कहां रह जाती है तो होने की तो संभावना भी नहीं क्योंकि मीनोपॉज हो चुका होता है फिफ्टीज में थी वो शायद लेट फिफ्टीज में पचपन और साठ के बीच में प्रिसाइसली और एक दिन उनके घर पर एक महात्मा है तपस्वी महात्मा है तो आके तो कहते हैं देवी न सवाल न जवाब न पूछा न लेना न देना सीधे ही उसको आके कहते हैं देवी आज से एक वर्ष बाद तुम्हारे एक पुत्र होगा और वो पुत्र मेरा ही शिष्य है जो तेरे यहां जन्म लेगा तो वो तो एकदम हैरान और क्या बोल रहे हैं कहा तो तो तुम्हारा पति घर में है बोले है उसको भी बुला लिया बोले आप भीतर पधारो बोले नहीं भीतर नहीं आएंगे बस इतना ही कहने आया हूं मेरा शिष्य तेरे घर जन्म लेगा बोले कैसे किस आयु में है इसमें कैसे जन्म होगा इस बात का कोई जवाब नहीं दिया पर यह कहा मेरा शिष्य तुम्हारे घर पैदा होगा तीन साल बाद मैं दोबारा आऊंगा और अपने शिष्य को ले जाऊंगा अब दोनों पति पत्नी बड़े हैरान कि यह हमारे साथ हुआ क्या है? और अजब बात यह हुई कि वो गर्भवती भी हुई और एक वर्ष बाद उनको पुत्र भी हुआ पुत्र की खुशी में दोनों इतने मस्त हो गए इतने खो गए कि ये ख्याल थोड़ा दिल से निकल गया कि तीन साल बाद वो फिर से आकर के ले जाएंगे पर ठीक तीन साल बाद वो बंगाली संत फिर से आ गए और इस बार दरवाजे पे खड़े नहीं रहे सीधे भीतर आए और आके कहते लाओ मेरा शिष्य दे दो तीन साल के बच्चे को कैसे दे दें पर उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा था नहीं तुम्हारा ये होगा भी नहीं अभी इसी आयु में ये मेरे साथ जाएगा बोले महाराज ये पलेगा कैसे बोले ये हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारी नहीं तीन वर्ष के राम थे जब उनको बंगाली बाबा अपने साथ ले गए और तीन वर्ष की आयु से लेके उन्नीस वर्ष की आयु तलक वो इन्हीं महात्मा के साथ हिमालय में रहे गुफा में रहे एक दो और दूसरे शिष्यों के संग वहीं उनका लालन पालन हुआ यौगिक विद्याओं का अभ्यास वहीं करते रहे एक समय ऐसा भी आया कि जब गहरी साधना करने के लिए उनके गुरु ने कहा कि अब तुम एक गुफा गुफा में रहोगे और वो गुफा इतनी कम आ, आकार में थी इतनी छोटी थी कि उसके अंदर लेट के सरक सरक के जाया जाएगा और फिर अंदर ही एक पत्थर रखा है जिससे उसको पर एक दफे अंदर पहुंच गए तो लगभग आठ बाई दस का आकार की अंदर थोड़ी गुफा है जिसमें खड़े भी हो सकते हैं और लेट भी सकते हैं और ऊपर छत में एक छोटा सा छेद था जिससे हवा और रोशनी अंदर आएगी अगर एक दफे पत्थर बंद कर दिया पत्थर से द्वार को बंद कर दिया तो बाहर कोई घूम रहा हो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई रहता है राम इस गुफा में लगभग एक वर्ष रहे द्वार पर खुद गुरु जी के जो दूसरे शिष्य थे वो एक समय का भोजन उनकी गुफा के गेट पर रख देते थे राम एक समय ले लेते अंधेरे में आ, मल की निवृत्ति के लिए वो बाहर निकलते फिर अंदर पर एक वर्ष पूरा वो उसी गुफा में रहे स्नान के लिए किसी जल की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि किन्हीं यौगिक क्रियाओं से वो प्राणायाम की क्रियाओं से वो शरीर को स्वच्छ कर लेते थे और पूरा समय प्रश्न उठता है गुफा में क्यों गुफा में इसलिए क्योंकि गुफा साउंड प्रूफ होती है जिस गुफा में वो थे मैंने बाहर का कोई शब्द अंदर जाएगा नहीं और जब भीतर बैठ करके के वो नाद का अनुसंधन करेंगे तो गुफा की दीवारों से छतों से रेवरब्रेशन हो हो करके वो वापस उनके ऊपर आती रहेगी और इतनी सूक्ष्म नाद की जो साधना है उसे करने के लिए बाहर की चुप्पी की बड़ी आवश्यकता होती है एक वर्ष तलक वो इसी गुफा में वो रहे महात्मा लोगों ने ये जो गुफाओं को चयन किया था वो इसलिए नहीं कि उन्हें दुनिया में रहने से कोई घबराहट होती थी पर इसलिए क्योंकि गुफा में रहने से वो सही माहौल बनाया जा सकता था जिस माहौल में वो कुछ विशेष साधनाओं को करना चाह रहे थे लेकिन इस समय मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि स्वामी राम का यह जो जन्म हुआ ये उनके गुरु के बहुत पहले आदेश दे देने पर एक बड़ी उम्र के पति पत्नी के घर पैदा होना तीन वर्ष में उनको वो ले जाना और फिर उनका अपने गुरु के संग रहना तिब्बत हिमालय और कहाँ कहाँ वो रहे हैं फिर वो कॉलेज भी गए ऐसे तो यूनिवर्सिटी भी गए विदेश भी गए और वहाँ पर डॉक्टरेट हासिल करी प्रोफेसर भी रहे कुछ समय और फिर अपने जीवन का बहुत बड़ा काल उन्होंने अमेरिका में योग का प्रचार करते हुए में बिताया पर अपने आखिरी वक्त में वो वापिस ऋषिकेश आ गए और यहीं ऋषिकेश में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो पूरी जीवन यात्रा को अगर मैं उनके देखती हूं तो जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और गुरु आकर के कह जाता है कि मेरा चेला जन्म ले रहा है तुम्हारा लड़का नहीं होगा वो तो उससे कहीं मोह मत करके बैठ जाना अब जन्म है तो माता पिता चाहिए शरीर चाहिए तो शरीर के लिए स्त्री पुरुष का संजोगी जोड़ा भी तो चाहिए तो कैसे कितनी सुंदर ये गुरु और शिष्य के प्रेम की कहानी है जो मैंने आपसे कही स्वामी राम और बंगाली बाबा जो तिब्बत के कुछ भिक्षुओं से साधनाओं को लिया हुआ था उन्होंने बंगाली संत थे वो कहने का बाब क्या है गुरु की करुणा का तो कुछ पारावार ही नहीं है वो कितना दूर तक सोचता है इसी जन्म का नहीं जन्म से पार तक का भी सोचता है और शिष्य के कल्याण के लिए वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है तो साधना को सीखने के लिए कहाँ लोग घर बार छोड़ करके आश्रमों में रहते हैं तो लंबे वर्षों के बाद कभी कोई गुरु बताता है और कहा किसी को बिना ये सब किए ना तुमने घर छोड़ा ना तुम द्वार गए ना तुमने कुछ और किया लेकिन फिर भी तुमको इन साधनाओं को करने का अवसर मिल रहा है तो इसको बहुत अमूल्य जानते हुए इन साधनाओं को करने के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहिए जितना वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ जब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ये तो बड़ा कम वक्त है ज्यादा वक्त तुम अपने आप के साथ हो क्वेश्चन इज वट डू यू डू वेन यू आर फ्री आई यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द साधना और आई यू वेस्टिंग योर टाइम एंड लाइफ विद डूइंग स्टूपिड स्टाफ सो अ ट्रू सीकर विल पे अटेंशन टू व्हाट ही और शी ईट्स वट ही और शी टॉक्स व्हाट ही और शी डू व्हाट ही और शी Uh, speak the way they conduct themselves, the way they earn their money, and how precisely they have to take care of their body, that it doesn't remain sick. It should be very healthy. It should be very strong. And to make that healthy and strong body, you need to do asana. You have to do it. There is no other option. Asana kiye baghar sharir majboot nahi hoga. बिल्कुल नहीं होगा तो रोगी शरीर नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल पहली कंडीशन है क्योंकि जब अभ्यास करना है तो शरीर को रीढ़ की हड्डी सीधी करके अब घुटना ना दुखता हो कमर ना दुखती हो तभी तो बैठोगे तो जा घुटने कमर दुखते रहेंगे तो कैसे बैठोगे पर आप सबको मालूम ही है यहाँ पर आश्रम में आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद पंचकर्मा और एक्यूपंक्चर ये सब व्यवस्था इसीलिए की गई है कि अगर कोई दोष शरीर में है तो उस दोष को उस रोग को ठीक करिए सो दैट यू कैन सिट हाउ लॉन्ग लेट मी से स्वामी राम इज बींग कोटेड अगेन ही यूज टू से दिस That if you wish to be a true yogi, then your asana should be accomplished, siddha. What is the sign that the asana is siddha, accomplished, only then when you can sit for 4 hours and 36 minutes without moving?